पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 50 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। हल्द्वानी में भोटिया पड़ाव पुलिस और एसओजी को एक बड़ी सफलता मिली, जहां भोटिया पड़ाव चौकी के पीछे एक व्यक्ति काफी लंबे समय से अपने घर से शराब की तस्करी कर रहा था और उच्च दामों पर ग्राहकों को शराब बेच रहा था। वही एसओजी और भोटिया पड़ाव पुलिस ने छापा मारकर घर से लगभग 50 पेटी अनेकों प्रकार के अंग्रेजी ब्रांड की शराब की और वही मौका पाकर मुख्य तस्कर फरार हुआ, जिसकी तलाश की जा रही है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी है। नवभारत समाचार हल्द्वानी से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। कोतवाली पुलिस और एसओजी के संयुक्त अभियान में गोविंदपुरा सुभाष नगर में मोंटू है और इसके घर के पास से जो है तकरीबन 50 पेटी अवैध शराब मिली है अंग्रेजी की, जिसमें तमाम अच्छे ब्रांड भी हैं, रेड लेवल है, 100 पाइपर है और भी इसी तरह के महंगे ब्रांड हैं। और वो 50 पेटी बरामद करी गई है और उससे पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से इसको लेके आया। इसमें हम और इसमें अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे की तैयारी की जा रही है और पूछताछ में हम इसको जरूर मालूम करेंगे कि ये शराब ये लाए कहाँ से हैं। सर, लंबे समय से तस्करी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये आज पकड़ा गया? संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इतने लेवल पर अगर किसी के पास शराब मिल रही है तो संभव है, ये भी हो सकता है। इसको हम पूछताछ के बाद ही इसकी जो है इस बारे में कुछ कह पाएंगे। 50 के इसमें चूंकि ब्रांड अलग अलग हैं तो इसलिए कीमत बताना तो संभव नहीं है। ठीक है, कोई पुराना ऐतिहासिक अपराध नहीं इसमें? पुराना इतिहास अभी देखेंगे क्या है इसमें। एक हाँ, जो अभियुक्त मोंटू पकड़ा है, अमन जो है वो मौके से फरार भी हुआ है। ठीक है, इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा है किसी और का? अभी पूछताछ चल रही है हमारी इसमें। 10 लाख के आसपास बता रहे हैं।